राम जी के पांच पिताजी हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि बागेश्वर, जो बागेश्वर नाम से, बागेश्वर सरकार के नाम से चल रहा है, आश्रम चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, अपनी दुकान चलाइए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो, इस वीडियो में शायद कुछ तस्वीरें आपको ना दिखाई दें, ये आपको आम वीडियो लगे, लेकिन इस वीडियो की खास बात यह है कि एक बाबा है, बहुत फेमस है बागेश्वर धाम, वो खुले मंच से कहते हैं कि ये धर्म नहीं धंधा है और हम धंधा चलाने का काम कर रहे हैं, ये तो आम जनता की गलती है जो उसके पास जाती है। सोचिए, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो भी मैं आपको सुना देती हूँ। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। चांदी के रुपया महाराज जी, महिला से क्या दिक्कत है, महिला भी ले लीजिए, क्योंकि आपके साधु संत हो, आपके तमाम तरीके के मंत्री, अभिनेता, प्रवक्ता हो, यही काम तो कर रहे हैं। बेटियों को चार दीवारी के भीतर उनका शोषण किया जाता है और बाबा जो हैं वो खुले मन से कह रहे हैं कि आप हमें बंगला गाड़ी। कोई शाम के चैनल पे दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है जिसका नाम है दोस्तों, भगवान राम के पांच बाप थे, बागेश्वर धाम सरकार एक्सपोज्ड। एंड एक्सपोज किसने किया दोस्तों, एक हिंदू धर्म के पंडित ने ही। तो दोस्तों इनकी वीडियो जैसे कि आजकल बहुत ही चर्चे में रहने वाली है और बहुत ही चर्चे में रहती है, ताकि ये बंदे के मन की बात, दिल की बात और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या इन्होंने सच बोला है, क्या कैसा है इनकी वीडियो और रिएक्ट करते हैं इस पे वीडियो पे। और दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीखने की बातें हमारे को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। राम जी के पांच पिताजी हैं, कहेंगे राम जी के पांच बाप थे, राम जी के पांच पिताजी हैं। पहले राम जी के पिता हैं अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव से ही खीर प्रकट हुई है, इसलिए वो पिता का दर्जा है। दूसरे पिता दशरथ जी जो प्रतिपाल है। हमारा नाम है नरेश चंद्र आचार्या, हम सनातन धर्म से हैं और राम राजा सरकार के परम भक्त हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि बागेश्वर, जो बागेश्वर नाम से, बागेश्वर सरकार के नाम से चल रहा है, आश्रम चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, अपनी दुकान चलाइए। आश्रम चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, अपनी दुकान चलाइए। कि आज की जो वीडियो है वो साधु संतों के लिए है, क्योंकि सभी संसाधन होने के बावजूद भी वो घर घर से भीख मांग कर खाने के आदि हो गए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो, इस वीडियो में शायद कुछ तस्वीरें आपको ना दिखाई दें, ये आपको आम वीडियो लगे, लेकिन इस वीडियो की खास बात यह है कि एक दिव्यांग व्यक्ति मजदूरी कर डिग्निटी के साथ अपना काम कर रहा है। एक बाबा है, बहुत फेमस है बागेश्वर धाम, वो खुले मंच से कहते हैं कि ये धर्म नहीं धंधा है और हम धंधा चलाने का काम कर रहे हैं, ये तो आम जनता की गलती है जो उसके पास जाती है। सोचिए, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो भी मैं आपको सुना देती हूँ। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधोनी, मंगलसूत्र, लुगाई लड़का भर छोड़कर सब हमारे नाव करवा सका। तो सुना आपने, वो क्या कहते हैं कि रुपया, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, लुगाई को छोड़कर आप सब कुछ दे सकते हैं दान में। महाराज जी, महिला से क्या दिक्कत है, महिला भी ले लीजिए, क्योंकि आपके साधु संत हो, आपके तमाम तरीके के मंत्री, अभिनेता, प्रवक्ता हो, यही काम तो कर रहे हैं। बेटियों को चार दीवारी के भीतर उनका शोषण किया जाता है और बाबा जो हैं वो खुले मन से कह रहे हैं कि आप हमें बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सोना, चांदी सब दे दीजिए, क्योंकि धर्म के नाम पे जो धंधा बनाकर बैठे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि मेहनत कश लोग जो हैं वो दिव्यांग व्यक्ति होने के बावजूद भी कितनी मेहनत कर रहा है पेट पालने के लिए, और कुछ लोग चंद बातें बोलकर आम जनता के विश्वास के साथ खेलते हैं। इस देश में इमोशंस का कोई कदर नहीं है, इस देश में आम जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, सोचिए, मानसिक रूप से उनको कमजोर बनाकर, डर बिठाकर किस तरीके से इस देश में धर्म को जो है धंधा बना दिया गया है, और हम कमजोर होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसे बाबाओं के पास भेजते हैं जिन बाबाओं को अपना भविष्य नहीं पता। उन बाबाओं से हम अपना भविष्य इसलिए पूछते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं,
हमें अपने क्षमताओं पे भरोसा नहीं रहा, हमें अपनी काबिलियत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और उसी का फायदा उठाते हैं बाबा लोग। सोचिए, एक मेहनत कश दिव्यांग व्यक्ति सर्द हवाओं के चलते इतना बोझा खींच रहा है क्योंकि उसे एक आत्मसम्मान का जीवन जीना है। तमाम संसाधन होने के बावजूद घर घर जाकर भीख मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप बैठे बिठाए जनता का पैसा लूटकर सिर्फ खा रहे हैं। अरे उसके बदले आप समाज को जागरूक कीजिए। साधु संतों का काम क्या होता है? समाज में प्रेम दया करुणा की भावना पैदा करना। लेकिन आजकल के जो साधु संत हैं उनको तो राजनीतिक कुर्सी का लालच हो गया। तमाम तरीके की टिप्पणियाँ हमारे सामने आती हैं। कोई कहता है छुरी तेज करवा लीजिए, कोई कहता है कि शाहरुख खान को मेरे सामने ला दीजिए, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। कोई कहता है कि मंत्री ने, एक सोशल जस्टिस मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं कैसी पढ़ी, मैं उसको 50 लाख का इनाम दूंगा जो उसकी गर्दन लाएगा। सोचिए ऐसे बाबाओं का हमें क्या करना चाहिए। जब तक आप दान दक्षिणा देना बंद नहीं करेंगे, ऐसे बाबाओं की हिम्मत बढ़ती रहेगी और समाज में सांप्रदायिक दंगे, आर्थिक दंगे, राजनीतिक दंगे, जाति भेदभाव के आधार पे जनता के साथ भेदभाव को पैदा करते रहेंगे। ये वीडियो दिखाने का मेरा मोटिव ये था आप सभी देशवासियों को कि हम जहां आकर्षित होते चकाचौंध की जिंदगी में, वह हम कहीं ना कहीं ऐसे तस्वीरों को, ऐसी वीडियोस को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो ग्लैमर का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वो वायरल होने की काबिलियत नहीं होती। लेकिन कभी अपनी ज़िंदगी से महसूस कीजिएगा, उस भूख से, पेट की भूख से, उस आर्थिक स्थिति से कि एक परिवार को वो पालता है दिव्यांग व्यक्ति। सोचिए कितनी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, एक परिवार का बोझ है। वो बोझ सिर्फ सामान के बॉक्सेस नहीं है उसके पीछे, उसके पीछे उस समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, और पेट की भूख उसको काम करने पर मजबूर कर रही है। मजबूर नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि इस देश में यही एक परंपरा है कि एक व्यक्ति परिवार का कमाने वाला होना चाहिए, 10 खाने वाला होना चाहिए, और यही स्थिति है आज देश की। जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर से बदतर की ओर जा रही है। इसलिए सभी को अपनी डिग्निटी फुल लाइफ के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये तो सो कॉल्ड जो सवर्ण समाज के लोग हैं, मनुवादी समाज के लोग हैं, वो आपके बच्चों को कमज़ोर करते हैं ताकि आपका बच्चा क्रिएटिव सील ना बन जाए, आपका बच्चा अपने स्किल्स को डेवलप ना करे। इसलिए आपके बच्चों को मंदिर में भेजा जा रहा है घंटा बजाने के लिए, और अपने बच्चों को वो कैम्ब्रिज भेज रहे हैं, अपने बच्चों को वो ऑक्सफोर्ड भेज रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। आप अपने बच्चों के लिए ये मत सोचिए कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार खत्म हो गया, हमारे बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं बचा, कोई भविष्य नहीं बचा। बस आपको उनकी क्रिएटिविटी को तराशना है, बाहर निकालना है, और जो आपका बच्चा चाहता है उसके स्किल पे पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और बच्चे को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको बेहतर तरीके से कीजिए, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या मेहनतकश लोग इसलिए हमारे सामने नहीं आ पाते कि उनको कवर करने वाला ना मीडिया उनके, वो दूसरे को ज्ञान देता है। हम उसके आश्रम में जाते हैं और पैसा दान करते हैं, और इसने बोला कि औरत ये वो सारा छोड़ के मुझे बाकी सब दान दीजिए। तो चलो एक बात माना, भले ये गलत है, लेकिन ज्यादातर मैंने इनकी वीडियो देखी है। तो दोस्तों आजकल की जो दुनिया है, किसी को मारा पीटा नहीं जाता है, जादू टोना करके उसको पछाड़ दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है, या उसकी जान ले ली जाती है जादू टोना करके, या उसको खाने में कुछ मिला के कुछ। आज ये सीन है दोस्तों, ये पहले मैं भी नहीं मानता था, बट मेरे साथ खुद हुआ है। खाने में कुछ मिला दिया और उसको सम्मोहित कर लिया, उसकी जान धीरे धीरे सुखा के लिए, पूरा बेचारा अस्पतालों के चक्कर लगाते रहा, कोई बीमारी नहीं निकलती दोस्तों। और मैंने अपने मौलवी जी से इलाज कराया था और उन्होंने मेरे को पूरे अच्छे तरीके ठीक कर दिया 2 दिन में दोस्तों, और मैं साल भर चक्कर लगाते रहा हॉस्पिटल के, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, मैं ठीक नहीं हुआ। तो उसी तरह बागेश्वर धाम भी है दोस्तों, एक बार बंदा गया था, बहुत मैंने वीडियो देखे वहां पे, वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा चीज होता है दोस्तों, और हम एक विश्वास लेके जाते हैं, और दूसरी बात कुछ चमत्कार देख के कोई वहां जाता है और 4 इंसान ठीक होते हैं, उसमें से 2 इंसान कुछ गलत भी हो, तो ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बट ये है कि अपना कर्म करो, जो भी है, गरीब भी है वो मेहनत करके खाता है, रोटी खाता है,
जिसको टाइम है, जो अपनी जिंदगी से परेशान है दोस्तों, वो हर जगह के चक्कर काटता है। हिंदू भले ही होगा लेकिन वो मुसलमान के दर पे भी जाएगा, वो मस्जिद में भी जाएगा, वो मंदिर में भी जाएगा, वो ईसाई के सिख के चर्च में भी जाएगा कि क्या है मैं ठीक हो जाऊं, और लास्ट में कोई बताता नहीं आपके ऊपर जादू टोना नहीं है, और लास्ट में सही में कहीं ऐसा होता है और ठीक हो जाते हैं इंसान। तो ये दोस्तों आजकल के दुनिया का ट्रेंड है कि काला जादू होता है, ये तो गारंटेड मैं बोलता हूँ, और ये कराया जाता है अपने आस पड़ोस से ही कर देते हैं कि आगे ना बढ़े वो ना, जरूर होता है दोस्तों। जहां तक कि आपको पता होगा हर के साथ ये फैमिली में बीती हुई होती है, या चाचा भतीजा में, या आपके फैमिली में, तो आपके पड़ोस मतलब चाचा के लड़के के साथ है, किसी के साथ होता है दोस्तों ये। तो ये मेन रीजन है दोस्तों हमारी आस्था को तब्दील करने के लिए, कि कहीं पे भी हम चले जाते हैं कि भगवान मुझे कोई भी ठीक कर दे, या अल्लाह कर दे, या मस्जिद में कर दे, या एक ईसाई में कर दे। तो बाकी दोस्तों मैं कुछ नहीं मानता, आश्रम जाना एक अपनी श्रद्धा है, मस्जिद जाना एक अपनी श्रद्धा है, बट हम क्यों जाते हैं परेशान होके कि भगवान हमें कहीं दिख जाए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ और समझ आया तो प्लीज कमेंट करके बता सकती है, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय।